हेलो एवरीवन, आज सभी का ऑल इन वन चैनल में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चीज लॉलीपॉप, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। आपने इसकी आवाज सुनी कितने क्रिस्पी हैं और बहुत टेस्टी हैं। बच्चों के स्कूल चालू हैं तो उनके लंच बॉक्स में रखने के लिए बहुत यूजफुल रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में सभी को पसंद आते हैं तो एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या है, सभी की हेल्प होती है। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चीज़ बॉल बनाने के लिए हम एक बाउल में 3 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए और कद्दूकस किए हुए आलू लेंगे। कद्दूकस इसलिए करना है क्योंकि कोई भी बड़े चंक्स आलू के नहीं होने चाहिए। इसी के साथ यह पनीर लेंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने पनीर का परांठा बनाया था, उसकी फिलिंग बची थी जिसमें कुछ मसाले और ऑनियन मिली हुई है, तो वह पनीर मैंने यूज़ किया है इसलिए थोड़ा डार्क कलर का है। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो प्लेन। अब इसी के साथ बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 टी स्पून ऑर्गेनो डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने पनीर में डाला हुआ है इसलिए कम डाला है। 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर बच्चे पसंद नहीं करते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथ से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जो आलू हैं हमारे 70 से 80% बॉयल होने चाहिए। ज़्यादा बॉयल नहीं कीजिएगा, नहीं तो इनमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा आ जाएगा, तो जिससे क्या है चीज़ बॉल अच्छे नहीं बनेंगे। और आप इसमें अपनी मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो बच्चे खाते हैं। और इन दिनों में थोड़ा धनिया कम आ रहा है तो मैंने धनिया का भी यूज़ नहीं किया, इसलिए जो डो है थोड़ा सा प्लेन दिखेगा आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू का डो तैयार है। आप देख रहे हो कितना परफेक्ट है, ना लूज है ना टाइट है। तो इसी तरह का डो तैयार करना है। अब हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। जिसके लिए एक बाउल लेंगे जिसमें हमें 2 टेबल स्पून मैदा लेनी है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, क्योंकि हमें एक स्लरी तैयार करनी है तो जिसके लिए यह सब चीज़ें ज़रूरी है। अब स्लरी फीकी ना लगे, जिसके लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑर्गेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और इन चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम थिकनेस का घोल तैयार कर लेना है हमें। ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जिससे जो स्लरी है परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लरी बिल्कुल तैयार है, ना पतली है ना गाढ़ी है। इसका टेक्सचर जो है कोटिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, चम्मच के पीछे कोटिंग होनी चाहिए। इस तरह की स्लरी तैयार कर लेंगे। अब चीज़ बॉल बना रहे हैं तो मैंने यह मोजरेला चीज़ लिया, आप कोई सी भी ले सकते हो। ब्रेड क्रम्स लिए हैं और लॉलीपॉप का शेप देना, जिसके लिए मैंने आज बजा की स्टिक न यूज़ करके इस तरह का कच्चा आलू लिया है और इसके शेप में कट कर लिया है। और अब आलू का डो लेंगे और उसमें से हमें थोड़ा सा डो लेना है। जितनी साइज की हमें चीज़ बॉल रखनी है उस हिसाब से डो लीजिएगा और इस तरह से हाथ से गोल करके और बीच में थोड़ा सा होल करके हमें चीज़ फिल करनी है। और चीज़ जो है आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग रखिएगा, बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा फिल कीजिएगा। और चारों तरफ से इस तरह से कवर करते हुए हमें इसे रोल कर लेना है और चीज़ को अंदर ज़्यादा अच्छे से फिल कीजिएगा जिससे बाहर ना निकले। और एक आलू की स्टिक लेनी है और अंदर की तरफ अच्छे से सेट करते हुए इसे बाहर से कवर कर देना है। अंदर इतना डीपली डालिएगा कि एयर तलते समय बाहर ना आए आलू की स्टिक, और चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे जिससे यह स्टिक तलते समय बाहर ना निकले। आप देख रहे हो कितने अच्छे से मैंने इसे पैक कर दिया है। और स्टिक बड़ी थी तो मैंने चाकू से थोड़ी कट भी कर दी है। अब इस स्लरी को लेंगे और इसमें अच्छे से इस बॉल चीज़ को हमें डिप कर देना है, जिससे तलते समय यह चीज़ अंदर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट मिलती है तो चीज़ मेल्ट होने लगती है और वह बाहर आ जाती है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे और एक्स्ट्रा अगर इस पर स्लरी है वह इस तरह से पकड़ के निकाल देंगे और इसके ऊपर हमें ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर देनी है चारों तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीज़ बॉल पर यह ब्रेड अच्छे से कोट हो चुकी है। तो इसे इस तरह से एक प्लेट पर रख लेंगे और इसी तरह हमें बाकी के सारे डो की चीज़ बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यह हमारे चीज बॉल बनके तैयार है। आप देख रहे हो हल्का सा इसका लॉलीपॉप का भी लुक है। अब इन्हें हम तलेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। फ्रेंड्स, ये एक बार का यूज किया हुआ ऑयल है, इसलिए थोड़ा डार्क कलर का है। अब इसमें हमें एक एक करके चीज बॉल डालने हैं, और आप देख रहे हो इसमें से हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो इतना ही गरम इसे हमें करना है। अब इतनी स्पेस है उस हिसाब से इसमें हम चीज बॉल डाल देंगे, ज्यादा भी नहीं डालिएगा, नहीं तो फ्लिप करते समय परेशानी आएगी। अब इसे हमें स्पैचुला से अभी टच नहीं करना है, हल्का हल्का स्पून से इसके ऊपर ऑयल डालना है, जिससे यह ऊपर से अच्छे से बेक हो जाए। और फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा, जिससे यह क्रिस्पी बेक हो अंदर तक। अब इन चीज बॉल को हमें फ्लिप करना है, जिसके लिए मैं उसी छोटी सी चम्मच से इसे फ्लिप करूंगी। बड़े स्पैचुला से नहीं कीजिएगा, नहीं तो चीज बॉल के फटने का डर रहेगा। तो आप देख रहे हो जो चीज बॉल है पीछे से हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो इस स्टेज पर ही इसे हमें फ्लिप करना है। अब इन्हें हमें गोल्डन अच्छा ब्राउन होने तक बेक करना है, इसी तरह फ्लिप करते हुए। और फ्लेम को जो है मीडियम लो ही रखिएगा। अगर आपको लग रहा है ऑयल ठंडा हो रहा है, तो आप बीच में हल्का सा तेज कर सकते हो फ्लेम को, पर ज्यादा हाई पर इन्हें मत सेकिएगा, नहीं तो यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल्दी सिक जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, चीज बॉल है अच्छे से गोल्डन ब्राउन बेक हो चुके हैं। आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से इन्हें बेक कर लीजिएगा, और एक टिश्यू पेपर पर या न्यूज पेपर पर इन्हें निकालना है, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वह टिश्यू पेपर सोक कर लें। और उसके बाद इन्हें चलिए अब हम सर्व करते हैं। इस तरह की प्लेट लेंगे, जिसमें हमें यह चीज बॉल रख लेने हैं, और साथ ही थोड़ी सी टमाटो केचप रखे हैं। आप चाहो तो इन्हें ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यह चीज बॉल बनाना बहुत आसान है, और आजकल बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो आप टिफिन में रखिएगा उनके साथ स्कूल में, तो आई एम श्योर वह यह चीज रोल बिल्कुल भी छोड़कर नहीं लाएंगे, पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके लाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो जिससे और भी लोग अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए यह तैयार कर सकें। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। मैं आपको फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।